प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आई कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर दिलीप सिंह पाव वेलकम यू बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंजीनियर्स, आज हमारे जयपुर ब्रांच के ट्रेनिंग का फर्स्ट सर्विंग क्लास का डे है। उस सर्विंग क्लास में हम इनको सेटअप करना दिखाएंगे कि आप कैसे ऑटो लेवल को एक्चुअल में सेटअप करोगे। उसी के लिए हम यहाँ पर्टिकुलर गार्डन में आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियर्स अभी बैठे जरूर हैं, बट उनसे ही हम वन टू वन इंटरेक्शन जरूर करेंगे और ये भी बताएंगे कैसे आप सेटअप कर सकते हो कहीं भी जाके, और बहुत ही इजी वे है इसे सेटअप करने का, तो उसी को हम जानेंगे। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द इंस्ट्रूमेंट विच वी आर गोइंग टू यूज़। फर्स्ट ये है आपका ट्राईपॉड। इस ट्राईपॉड पर ही आपकी असेंबली क्या है फिट होने वाली है। अब हम इस असेंबली को आप सबसे पहले देख लीजिए, इसके तीन पैग हैं। ये आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी हाइट अभी 6'1" है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग अभी सेट आउट है। या आप चाहो तो इससे अनलॉक करके यहाँ से स्क्रू इसका लूज़ करेंगे तो ये भी आसानी से वापस जाके वर्टिकली हाइट पे आप जितना लेवल पे लेना चाहते हो ले सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपको एक हार्ड स्ट्रेटा मिल जाए उसके बाद ये जो पैक के ऊपर जो कॉर्नर पीसेस हैं उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या, ये एकदम फर्म हो जाएगा। फर्म होने के बाद ये स्टडी हो जाएगा और कभी हिलेगा नहीं। इन केस स्मॉल वाइब्रेशन से या धक्के से, या कभी ऐसा होता है कि हम रीडिंग लेते लेते थोड़ा सा वाइब्रेट कर दें तो आपका बबल है सेंटर आउट हो सकता है। तो इसे आप लेआउट करने के बाद से हुक लेवल इन करना मत भूलना। इस हुक को अपन लेवल कर रहे हैं अपने पैरों की हेल्प से। ओके, अब हम जानेंगे इस पर हम ऑटो लेवल को कैसे सेटअप करेंगे। तो मैं अभी ऑटो लेवल को बुलवा लेता हूँ। बाबर, एक बार ऑटो लेवल लेके आए तो आ जाइए, आप सभी आ जाइए। आप भी सर एक बार कैमरा पास में ले गए, थोड़ा सा और बास में ले गए। ये सर ट्राईपॉड के ऊपर देखो, ये असेंबली है जो इसे होल्ड करेगी। तो आपको ये नीचे से असेंबली दिख रही है। यस सर। इस पे आपको डायरेक्टली यहाँ रखना है। रखने के बाद आपको फिट करना है कि ये कहाँ से फिट होने वाला है। तो इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने अकॉर्डिंग एक बार सेट आउट कर लीजिए। सेट आउट करने के बाद आप देखो कि फिट हो गया है। हो गया फिट? यस सर। हिल रहा अभी? नहीं हिल रहा। नहीं हिल रहा ना? नहीं। अब एक बार अपनी आँखों से या आई साइड से भी आप देख लीजिए कि लेवल आपको लग रहा है नहीं लग रहा। इसे लेवल करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्राइमरी जो हमने देखा था कि आप पैक को सेट आउट कर लीजिए, आपके ट्राईपॉड को सेट आउट कर लीजिए, आपका 40-60% वर्क तो ऐसे ही हो जाएगा। अब रिमेनिंग पोर्शन है वो हम किससे सेट आउट करेंगे, हमारे जो लेवल स्क्रू है इनके हेल्प से इसे सेट आउट करेंगे। अब इंजीनियर से मैं एक एक बारी जानना चाहूँगा कि ये जो ऑटो लेवल है इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट दे रखे हैं इनके क्या क्या नाम है, क्योंकि आप क्लास में अभी इंट्रोड्यूस होकर आए हो। यस सर। तो आपको पता भी होगा, तो वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा। तो आप जिन जिन को आता है, या मेरे हिसाब से सभी को आता ही होगा। यस सर। तो आपको ये आंसर आउट भी करना है, ठीक है? यस सर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पोर्शन है आपके ऑटो लेवल का, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेवल। ठीक है। और ये वाला जो इसका आईपीस, यहाँ से अपन चीज़ों को साइड करेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है वो यहीं से होगा। क्लियर है? उसके बाद ये देखिए, कोई मिरर टाइप का कोई पोर्शन दे रखा है। ये कौन सा पेंटा मिरर? सर एक बार पास में आइए। तो ये जो मिरर है ये पेंटा मिरर है। इसी को पेंटा मिरर बोला गया है। क्लियर है? इससे भी आप जो आपका बबल है वो अगर सेंटर में, तो उससे भी देख सकते हो। क्लियर? इसके बाद नीचे आपके ये स्क्रू दिख रहे हैं, इनको क्या बोले? लेवलिंग स्क्रू, जो कि लेवल करने के काम आएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद यहाँ मुझे छोटा सा एक नोब दिख रहा है, इसका क्या नाम है? फोकसिंग नोब। इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन टारगेट कर रहे हैं तो फोकस करके ब्लर आउट कर देंगे उसे। मतलब अगर ब्लर आ रही है तो एकदम क्लीन हो जाएगा इसी के एडजस्टमेंट के थ्रू। क्लियर है? उसके बाद ये एक नोब, छोटा सा नोब है, इसे क्या बोला गया है? हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब। मतलब अगर आपका जो टारगेट हुआ हुआ टारगेट है उसे आप साइड कर रहे हो, और कभी कभार होता है ना आपको 5-10 mm का एडजस्टमेंट करना होता है, तो उसके लिए फाइन मोशन नोब है वो काम आएगा, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसलिए इसके नाम के आगे हॉरिजॉन्टल ऐड कर दिया गया। हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब। क्लियर है? इसे आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अपने हिसाब से रोटेट करवा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आप मुझे बताओ, कोई पोर्शन बचा हुआ इसमें जो हमें जानना है? हाँ, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे जो आपके टारगेट को साइड करेगा? ये ऑप्टिकल साइड। ऑप्टिकल साइड है, इससे आप प्राइमरी अपने टारगेट को मोटा मोटा क्या करेंगे? साइड करेंगे। साइड करने के बाद ये एडजस्टमेंट होगा इन स्क्रूज की वजह से।
वॉक्सिंग स्क्रू से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट मोटा मोटा आपको साइड किससे करना है, ऑप्टिकल साइड से। क्लियर है? ये हमारा पेडेस्टल हो गया सर। हाँ, ये जो पूरा पोर्शन है जिसपे असेंबली आपकी सेट आउट है वो आपका क्या है, पेडेस्टल है। ये वाला क्या है, पेडेस्टल है आपका। क्लियर? अब यहाँ आप देखिए ऑटो लेवल की हेल्प से अपन एंगल भी मेजर कर सकते हैं। एंगल भी कैसा, हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल से मेजर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ रीडिंग में देख पा रहा हूँ 0 to 360 degree है। तो इसकी हेल्प से अपन क्या गुनिया भी सेट आउट कर सकते हैं ना। कोई एंगल अगर जीरो पे है, अभी आप स्टाफ को जीरो पे साइड कर रहे हो, जैसे ही उसी स्टाफ को आप 90 के एंगल पे साइड करोगे तो वो गुनिया पे सेट आउट हो जाएगा। तो ऑटो लेवल की हेल्प से अपन क्या कर सकते, गुनिया भी सेट आउट कर सकते हैं। तो आपके लेआउट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब ये तो हो गया असेंबली के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में। अब इसे अपन लेवल कर लेते हैं। अब लेवल के बारे में तो आप मुझे बताना भूल ही गए। ये लेवल तो आपने बता दिया, क्या बताया था इसका नाम, पेंटा पेंटा मिरर। और ये सर्कुलर एक और लेवल है, इसे भी क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर है और लेवल भी है, इसलिए इसको दो नाम को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, सर्कुलर लेवल। ये हमेशा सेंटर में होना चाहिए। क्लियर है सभी का? ये बबल है आपका, हमेशा सेंटर में होना चाहिए, तभी आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो हॉरिजॉन्टल रे है वो हमेशा पैरेलल रहेगी। ऑटो लेवल का वर्क ही यही है कि आप जो भी इससे साइड करो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल बनाएगा। क्लियर है सभी को? अब हम जानते हैं कि इस लेवल को जो हमारा बबल है इसे सेंटर आउट कैसे करेंगे। क्लियर है? देखो इसे सेंटर आउट करने का बहुत सा सिंपल सा तरीका है। दो स्क्रू जो भी हैं आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज, आपका जो टेलीस्कोप है, इस पूरे पोर्शन को टेलीस्कोप बोला है, इस टेलीस्कोप को आप अपने पैरेलल रख लो। पैरेलल रखा सर, थोड़ा पास आ जाइए। पैरेलल रखा, पैरेलल रखने के बाद देखो इसमें तीन स्क्रू है, बट तीनों स्क्रू को एक साथ कभी वर्क नहीं करना है। पहले दो स्क्रू को इनवर्ड या आउटवर्ड घुमाना है जब ये आपका टेलीस्कोप क्या हो, पैरेलल हो। और जब इसे 90 डिग्री पे लो तो थर्ड स्क्रू को यूज़ में लेना है। अब बात आ जाती है कि इन दो स्क्रू को कब काम में लो, इस 90 वाला जो इसके परपेंडिकुलर स्क्रू को मैं कब काम में लूँ। बहुत सा सिंपल सा है, जब आपका ये बबल आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में खड़े हो। क्लियर है? जब इन दो स्क्रू को आपने माना है कि मैं इसके पैरेलल रखूँगा, तो आपका ये बबल है ना, जैसे अब मेरे सामने मैं इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान रहा हूँ सर, ये वाली डायरेक्शन है ना उसे मैं नॉर्थ मान रहा हूँ, थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए, ये डायरेक्शन मैं नॉर्थ मान रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा टेलीस्कोप मेरे पैरेलल ही क्या है, सेट आउट किया है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, इन दो जो स्क्रू है मैंने फिक्स कर लिए। अब दो स्क्रू के रेस्पेक्ट में हमें देखना है ये बबल या तो ईस्ट में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए। अगर बबल आपका ईस्ट और वेस्ट में आ जाता है तो इन दो स्क्रू को या तो आप इनवर्ड आउटर साइड में या इनवर्ड इन साइड में मूव करोगे, तब जाके आपका बबल सेट आउट होगा। क्लियर है? और बात आ जाती है तीसरा जो स्क्रू है वो कब काम आएगा, जब आपका बबल या तो नॉर्थ में हो या साउथ में हो। क्लियर है? अगर इनके अलावा कोई भी अदर फोर डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या ईस्ट साउथ हो गया, इन डायरेक्शन में अगर आपका बबल है तो आपको एडजस्टमेंट करके ही इसे सेट आउट करना होगा। क्लियर है? ठीक है, सेट आउट करें इसे। तो मैंने क्या किया, इन दो स्क्रू के लेवल कर लिया, इसे पैरेलल है एकदम, देख लीजिए आप सभी। दो स्क्रू के पैरेलल है ये। अब आपको पता है ये क्या है, या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन है ये जरूर। क्लियर है? अब इन दो स्क्रू की हेल्प से मैं या तो इनवर्ड या आउटवर्ड इसे मूव करूंगा। क्लियर है? करूँ मैं? तो पहले हम देख लेते, इनवर्ड करके देख लेते हैं अपना बबल किस तरफ जा रहा है। अब यहाँ देखिए जी, दोनों आपको एक साथ ही करना होगा। अब बबल को आपको क्या करना है, या तो इसे सेंटर में लाइए या फिर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन लेके आए। आप देखिए साउथ नॉर्थ डायरेक्शन आ चुका है। यस सर, आ चुका है। अब अपना किस स्क्रू का काम है, थर्ड स्क्रू ये रहा। अब मैं इसे रोटेट करूँगा। क्लियर है? इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब ये देखो आउटवर्ड जा रहा है, ऑब्वियसली बात है मैं रोटेशन को क्या, अपोजिट करना होगा। तो मैं रोटेशन को इन्वर्ट करता हूँ, मेरा बबल किस में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। आ गया सेंटर में जी, आ गया सभी को देखा सभी ने, सेंटर में आ चुका है। अब देखो इसे चेक करने का तरीका, ये तो आपने दो पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसे चेक कर लिया कि लेवल है। अब इस पोजीशन को मूव करवा दीजिए किसी भी तरफ। अब मैं इन दो को पैरेलल मान लेता हूँ, सेंटर में आ रहा है, सेंटर में इसे मैं 90 मान लेता हूँ। अब फिर भी सेंटर में, अब इन दो को मैं पैरेलल मान लेता हूँ, आया सेंटर में, इधर आके देखो है सेंटर में, और ये इसका मैं 90 ले लेता हूँ, है ये सेंटर में बस। अब इसे किसी भी डायरेक्शन आप चेक करोगे आपका बबल सेंटर में ही है, मतलब अब इससे आप किसी भी स्टाफ को साइड करोगे तो आपका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइन बनाएगी वो हमेशा पैरेलल ही वर्क करेगी। क्लियर है? ये इसे सेटअप करने का सिंपल सा तरीका है। आई होप आपको जो लाइव एग्जांपल मिला है उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में भी ये इजीली सेट आउट कर पाओगे। कर लोगे इजीली? यस सर, इजीली हो जाएगा सबसे। यस सर,
तो सबसे पहले क्या करना अपन लोगों की ट्राइपॉड है, इसे मैनुअली सेट करना है अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और ये जो नॉब है इनको आप जहां भी फ्लोर है आपका उसे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। क्लियर? ये सब होने के बाद, असेंबली सेट आउट होने के बाद, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लोगे, फिर आपका ट्राइपॉड लाओगे, ट्राइपॉड को स्क्रू के बेसिस पे इसे एस्टेब्लिश करोगे। एस्टेब्लिश करने के बाद कोई भी एक पैरेलल डायरेक्शन दो स्क्रू के अकॉर्डिंग आप लोगे, उस पैरेलल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन दो स्क्रूज को या तो इनवर्ड या आउटवर्ड या तब तक घुमाएंगे जब तक ये ईस्ट या वेस्ट वाली डायरेक्शन के छोड़ के नॉर्थ या साउथ में नहीं आ जाता। एक बार जब ये बबल नॉर्थ या साउथ में आ जाएगा तब आप थर्ड स्क्रू को क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। क्लियर है? फिर सेंटर लाने के ट्राई करोगे। एक बार सेंटर आ जाएगा तो आपका जो ऑटो लेवल सेट आउट हो चुका है, अब इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, साइड कर सकते हो। क्लियर है सभी के? यस सर। सभी को? यस सर। ओके, तो इंजीनियर्स आपने देखा कि हमने कितना इजीली ऑटो लेवल को सेट आउट किया है, और सारे ही इंजीनियर्स हैं वो सब भी इसे इजीली सेट आउट करना जान चुके हैं। इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम स्टाफ की रीडिंग को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आप जो घर बैठे इंजीनियर्स हैं उनको इजीली समझ में आया होगा कि आप किसी भी साइड में जाओगे तो कैसे इस ऑटो लेवल को सेट आउट करोगे। जैसे हमारे इंजीनियर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसे सीख लिए हैं, आप भी इजीली इसे सीख लिए होंगे। सो इंजीनियर्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल विद अ न्यू वीडियो एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।